Hello students, in the last few videos we have studied about the basics of continuous time signal and basics of discrete time signals. Now in this video I will start with the classification of signal. Okay, classification of signals mein hum log discrete time ke base par bhi classification ka analysis karenge aur continuous time signal ke base par bhi classification ka analysis hum log study karenge. Okay, to classification of signals mein आज की वीडियो में मैं पहले कुछ थ्योरिकल क्लासिफिकेशन ले रहा हूं जो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है जिसमें से एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो क्लासिफिकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टडी करेंगे. ठीक है, जैसे कि इवन एंड ऑड सिग्नल, ओके, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल एंड सो ऑन. ओके, तो आज की क्लास में मैं बेसिक क्लासिफिकेशन ले रहा हूं जो प्योर थ्योरी बेस्ड है. ओके, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका रियल एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल. ओके, तो रियल सिग्नल और कॉम्प्लेक्स सिग्नल ऑलरेडी हम लोग फैमिलियर हैं कि क्या होता है रियल सिग्नल, क्या होता है कॉम्प्लेक्स सिग्नल, हम लोग मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ते ही हैं. ठीक है ना, लेकिन मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल दे देता हूं. सपोज करिए अगर आपका एक्सटी जो है वो कुछ इस तरीके से है 5t, तो वो आपका रियल है. अगर सपोज करिए मैं zt एक सिग्नल ले रहा हूं जो कि है 5t प्लस j 6t, तो ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स है. ठीक है ना, मतलब जब भी किसी रियल पार्ट में नॉन एग्जिस्टिंग, फिजिकली नॉन एग्जिस्टिंग इमेजिनरी पार्ट ऐड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सिग्नल कहते हैं. ठीक है ना, ओके, तो ये बेसिक्स आपको ऑलरेडी पता होता है पहले से. नाउ यहां पर कुछ और बेसिक्स मैं ले रहा हूं कॉम्प्लेक्स के. जैसे सपोज करिए मेरा एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है z = a + jb, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मुझे उस पे ऑपरेशन कुछ परफॉर्म करने हैं लाइक z कॉन्जुगेट. हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सिग्नल का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, तो आपको क्या करना होता है, j की जगह -j. ठीक है, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं मॉड ऑफ z, तो मॉड ऑफ z क्या होता है आपका, अंडर रूट इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर. ठीक है, तो a आपका रियल पार्ट था, b आपका इमेजिनरी पार्ट था, तो अंडर रूट a² + b². ओके, तो यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि आप स्क्वायर करते हो इसलिए चाहे रियल पार्ट माइनस में हो चाहे इमेजिनरी पार्ट माइनस में हो आपका आंसर ऑलवेज यही होगा. ठीक है, और जैसे कुछ ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए लाइक अगर मैं बोलूं इसका एंगल निकालना है तो एंगल क्या होता है, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट. ओके, जैसे मैं बोलूं आपको z * z कॉन्जुगेट करना है, मतलब a + jb * a - jb आपको परफॉर्म करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये a + b a - b का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, a² - b² ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, a² - jb² हम सबको पता है j² क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा a² + b². ओके, और अगर आप ध्यान से लास्ट स्लाइड में देखें तो मॉड ऑफ जेड का फॉर्मूला था आपका अंडर रूट a² + b², दैट मींस z * z कॉन्जुगेट हो जाता है आपका मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर ऑलवेज. ओके, तो ये कुछ कंसेप्ट हैं कॉम्प्लेक्स सिग्नल से रिलेटेड जो हमें यहां पर यूजफुल होंगे. ओके, क्लियर है अच्छे से, तो ये होता है आपका रियल एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल, द फर्स्ट सिग्नल, फर्स्ट क्लासिफिकेशन. ओके, नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन मैं यहां पर ले रहा हूं आपके लिए, रैंडम एंड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल. ओके, तो रैंडम सिग्नल क्या होता है एंड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल क्या होता है, ये हम लोग यहां पर स्टडी कर लेते हैं, रैंडम सिग्नल एंड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल. तो रैंडम सिग्नल मींस क्या होता है आपका, जिसके लिए आप बोल सकते हैं कोई वेल डिफाइंड मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं होते. ठीक है ना, यहां पर वेल डिफाइंड मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं होंगे, फ्यूचर वैल्यू सिर्फ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे रह के फ्यूचर वैल्यू को सिर्फ आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि फ्यूचर वैल्यू ये होगी आपकी. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो फ्यूचर वैल्यू आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्ट. क्लियर है, अगर मैं यहां पर बोलूं मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में, तो मैथमेटिकल इक्वेशन इसके लिए डिफाइंड नहीं होते हैं. ओके, अगर मैं यहां पर इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है नॉइस. ठीक है ना, जैसे कि अभी सपोज करिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, आपको लेक्चर समझा रहा हूं रैंडम एंड डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल का. ठीक है, और अभी अगर
इस वीडियो में कोई आवाज आने लग जाए, ठीक है ना, कोई एक्स्ट्रा वॉइस आने लग जाए मेरी वॉइस के अलावा, तो वो आपके लिए नॉइज है। वो तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन वो जो नॉइज है, क्या वो आपको पता था कि इसी टाइम पे ही नॉइज आएगी? जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता था कि एग्जैक्टली 5 मिनट 20 सेकंड के बाद ही नॉइज आने वाली है? नहीं, ठीक है ना। हो सकता है अगर पहले कभी नॉइज आई हो वीडियो में, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मे बी इस वीडियो में भी नॉइज आएगी, लेकिन एग्जैक्टली किस टाइम पर आएगी वो आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। या प्रेडिक्शन ही है, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि किस टाइम पर आएगी, ये आप कह सकते हैं इसके बारे में, ओके? और सेम अगर मैं डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल के बारे में बताऊं, तो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल के बारे में फ्यूचर वैल्यू जो है आपकी, वो आप एग्जैक्ट बता सकते हैं, ओके? एग्जैक्टली आप बता पाएंगे कि क्या है आपकी फ्यूचर वैल्यू, क्लियर है अच्छे से। और यहां पर जो मैथमेटिकल इक्वेशन होते हैं, वेल डिफाइंड मैथमेटिकल इक्वेशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स में, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर जैसे मैं अगर आपको कोई एग्जांपल दूं, ठीक है ना, जैसे सपोज करिए मैंने आपको कहा एक्स टी इज इक्वल टू 5t+4 है, ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड मैथमेटिकल इक्वेशन है। यहां पर मैं अगर आपको बोलूं कि आप एक्स 100 निकालिए, एक्स 1000 निकालिए, यू कैन डिटरमाइन एनी वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है ना। तो जब भी आपके वेल डिफाइंड मैथमेटिकल इक्वेशन हो, या आप रियल लाइफ में भी सोच सकते हैं, रियल लाइफ में जिस चीज के लिए आप श्योरिटी से बोलें कि हाँ भाई इस टाइम पे ये होगा, ठीक है ना, कि रात को 8:30 पर टीवी पे ये शो आएगा, ये आप श्योरिटी से बोल सकते हैं, आप प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं इस पॉइंट को ना, क्लियर है अच्छे से। तो जहां पर आप श्योर हो, जहां पर आप एग्जैक्टली बता सके कि फ्यूचर वैल्यू क्या होने वाली है प्रेजेंट टाइम पर रह के, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक। और जहां पर आप सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते, दैट इज कॉल्ड रैंडम, ओके। नाउ थर्ड सिग्नल जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज योर कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल सिग्नल, ओके। तो कॉजल, नॉन कॉजल एंड एंटी कॉजल सिग्नल्स आपके क्या होते हैं? तो अगर मैं यहां पर बात करूं कॉजल की, तो कॉजल मीन्स होता है आपका जब आपका कोई सिग्नल XT इक्वल टू 0 हो फॉर T लेस देन 0, दैट मीन्स कुछ इस तरीके का आपका सिग्नल बना हो। सपोज करिए मेरा सिग्नल कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सिग्नल जो है XT आपका, ये T लेस देन 0 पर प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ T की पॉजिटिव वैल्यू के लिए प्रेजेंट है, तो ये सिग्नल आपका कहलाएगा कॉजल सिग्नल, ठीक है। और अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं कि एनी सिग्नल मल्टीप्लाइड विथ UT, ठीक है ना, एनी सिग्नल मल्टीप्लाइड विथ UT इज ऑलवेज कॉजल, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि UT या UN का एप्लीकेशन क्या होता है। जब भी आप किसी सिग्नल को UT या UN से मल्टीप्लाई करते हैं, या स्टेप से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे आप कंटिन्यूअस का केस ले लें, चाहे आप डिस्क्रीट का केस ले लें, तो सिग्नल जो है हमेशा पॉजिटिव साइडेड बन जाता है, नेगेटिव पार्ट उसका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो सिग्नल क्या हो जाएगा आपका, कॉजल, ठीक है। तो ये जो सारी डेफिनेशन मैं आपको कंटिन्यूअस के लिए बता रहा हूं, सारी की सारी आपकी डिस्क्रीट के लिए भी वैलिड है, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं आपसे एंटी कॉजल की, तो एंटी कॉजल की क्या मीनिंग होती है आपकी, एक्स टी इज इक्वल टू 0 फॉर टी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स जो आपका एक्स टी है वो टी की सिर्फ नेगेटिव वैल्यू पर डिफाइंड होगा, पॉजिटिव वैल्यू पर डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर आपका एक्सटी सिर्फ लेफ्ट साइडेड सिग्नल हो, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो, तो वो कहलाता है आपका एंटी कॉजल सिग्नल, एक्सटी इज इक्वल टू 0 फॉर टी ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव साइड में आपका एक्सटी क्या है, 0 है। नाउ नेक्स्ट इज नॉन कॉजल सिग्नल। नॉन कॉजल मीन्स जब सिग्नल आपका पॉजिटिव साइड भी डिफाइंड हो और नेगेटिव साइड भी डिफाइंड हो, देन सिग्नल इज कॉल्ड नॉन कॉजल, ओके। ना तो वो पॉजिटिव साइड के लिए जीरो है, ना ही वो नेगेटिव साइड के लिए जीरो है, देन सिग्नल इज कॉल्ड नॉन कॉजल। तो यहां पर आप सिंपलिसिटी के लिए बोल सकते हैं कि कॉजल सिग्नल जो है वो ऑलवेज क्या होंगे आपके, राइट साइडेड सिग्नल। तो कॉजल सिग्नल को हम लोग राइट साइडेड सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। सिमिलरली एंटी कॉजल सिग्नल को आप बोल सकते हैं लेफ्ट साइडेड सिग्नल।
So anti-causal signal are also known as left-sided signal. And non-causal ko aap bol sakte hain double-sided signal. That means non-causal signal are also known as double-sided signal. Okay? Now, next jo hai aapka fourth classification ya fourth signal, wo hai aapka analog and digital signal. Okay? So analog and digital signal mein हमें क्या स्टडी करना है? देखिए, हमने फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट वीडियो में स्टडी किया था कि आपका जो टाइम के वाइज अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं, तो आपका कंटीन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है, ठीक है ना? अगर आप टाइम वाइज देखें यहाँ पर, तो आपने दो सिग्नल्स देखे थे, एक था कंटीन्यूअस टाइम और एक था आपका डिस्क्रीट टाइम. और मैंने कहा था पूरा हमारा सिलेबस ही इन दो सिग्नल्स में, इन दो टाइप्स के सिग्नल में डिवाइडेड है. लेकिन अगर आप एम्पलीट्यूड वाइज देखें, तो एम्पलीट्यूड वाइज हमारा सिग्नल होता है एनालॉग एयर डिजिटल. ओके, तो एम्पलीट्यूड वाइज अगर आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो एनालॉग सिग्नल या डिजिटल सिग्नल. आप ऑलरेडी जानते हैं डिजिटल क्या होता है, ओनली टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज आर प्रेजेंट, 0 और 1. ओके, एनालॉग मीन्स एनी वैल्यू विल बी प्रेजेंट. ओके, तो अगर आप टाइम वाइज क्लासीफाई करेंगे सिग्नल्स को, तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. लेकिन अगर आप एम्पलीट्यूड वाइज क्लासिफिकेशन करेंगे सिग्नल्स को, तो एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल. ओके, क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमें पढ़ना है, या नेक्स्ट टाइप का सिग्नल जो हमें स्टडी करना है, वो हमें करना है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल. ओके, तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल आपके क्या होते हैं, या कौन से सिग्नल आपके एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं होते हैं, इनका हम एनालिसिस अब करते हैं. ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप, अगर किसी भी सिग्नल XT के लिए, ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है एम्पलीट्यूड 0 हो फॉर T टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एंड T टेंस टू माइनस इन्फिनिटी. ओके, T टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पर भी एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0. T tends to minus infinity पर भी amplitude क्या हो, 0 हो. तो इस तरह के signal आपके कहलाते हैं absolutely integrable signal. ठीक है, जैसे आप example देखिए, suppose करिए मैं कुछ इस तरीके का signal आपके लिए बना रहा हूँ. ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो ये signal है आपका XT, वो आपका T tends to infinity पर क्या हो रहा है, 0, decreasing है ना आपका, और T tends to minus infinity पर negative side तो कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, 0 ही होगा. तो दिस सिग्नल इज एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल. ओके, सपोज करिए मैं कुछ ऐसा सिग्नल बना रहा हूं आपके लिए. ठीक है, मेरा सिग्नल जो है वो -3 से लेकर +3 तक प्रेजेंट है. ओके, तो यहां पर ये सिग्नल क्या एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा? तो आप देख सकते हैं अगर आप t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पर देखें तो एम्पलीट्यूड क्या है, 0. t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर भी एम्पलीट्यूड क्या है आपका, 0. तो सिग्नल आपका क्या होगा, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा. ओके, क्लियर है अच्छे से? जैसे सपोज करिए आप कोई सिग्नल लेते हैं e की पावर -80 ut. ठीक है, तो आप t टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी पर देखिए, e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है आपका, 0. ओके, अब अगर आप t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पर देखें, तो देखिए माइनस इंफिनिटी पर आप चेक नहीं करेंगे क्योंकि ut से मल्टीप्लाइड है, और अगर ut से मल्टीप्लाइड है दैट मींस नेगेटिव साइड ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा. तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, 0. तो आप देख सकते हैं प्लस इंफिनिटी पर भी 0 है एंड माइनस इंफिनिटी पर भी सिग्नल आपका 0 है. दैट मींस ये होगा आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल. तो आई होप आपको क्लियर होगा क्या होता है आपका एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल. नाउ नेक्स्ट अगर मैं देखूं यहां पर बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सिग्नल. ओके, तो कौन से सिग्नल आपके बाउंडेड होंगे, कौन से आपके बाउंडेड नहीं होंगे, इसके लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो आप देखिए, अगर जो आपका सिग्नल XT है उसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, आपका है कोई फाइनाइट वैल्यू. ओके, फॉर T टेंड्स टू इन्फिनिटी और T टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी और T टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू हो जाए, चाहे वो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हो जाए, चाहे t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पर हो जाए, चाहे t टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी पर हो जाए, लेकिन
यहां पर आपकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि टाइम की किसी वैल्यू पर भी, ओके मैं यहां पर कंडीशन शो कर देता हूं, टाइम की किसी वैल्यू पर भी, ठीक है ना, चाहे आप प्लस इंफिनिटी की बात करें और माइनस इंफिनिटी की बात करें, ठीक है, कहीं पर भी आपका जो एम्पलीट्यूड है वो इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए फाइनाइट का मतलब जीरो भी हो सकता है, अगर एक में फाइनाइट है और एक में जीरो है एम्पलीट्यूड, दैट मींस आप उस केस पे भी उसे बाउंडेड बोलेंगे, क्योंकि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होने के लिए टी टेंस टू प्लस इंफिनिटी एंड टी टेंस टू माइनस इंफिनिटी दोनों पे एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, आपका जीरो होना चाहिए। क्लियर है अच्छे से, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक पे फाइनाइट है और किसी एक पे जीरो है तो इट इज बाउंडेड, दोनों पे फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब मैं फाइनाइट यहां पर लेके चल रहा हूं, दैट मींस आप समझ लीजिए जीरो नहीं है, मतलब किसी एक पर कोई कांस्टेंट वैल्यू है, नॉन जीरो वैल्यू है, बट इंफिनिटी नहीं है। सपोज करिए वन है, टू है, थ्री है एम्पलीट्यूड आपका, और एक पर जीरो है, ठीक है ना। टी टेंस टू इंफिनिटी पर आपका थ्री है और टी टेंस टू माइनस इंफिनिटी पर जीरो है, तो उस केस में आपका सिग्नल हो जाएगा बाउंडेड, ना कि एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। अब अगर मैं बात करूं टी टेंस टू प्लस इंफिनिटी और टी टेंस टू माइनस इंफिनिटी दोनों पर एम्पलीट्यूड आपका कोई फाइनाइट वैल्यू, दैट मींस या तो 10 है और एक में आपका मान लीजिए 3 है, उस केस में भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। लेकिन अगर किसी एक पर भी इंफिनिटी हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये सिग्नल हो जाएगा अनबाउंडेड। ओके क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर देखिए कुछ एग्जांपल, आप सपोज करिए मैं एक सिग्नल ले रहा हूं एक्स टी, ठीक है, एक्स टी वर्सेस टी, ये आपका सिग्नल है। तो देख लीजिए यहां पर टी टेंस टू इंफिनिटी पर क्या है, वन है, ठीक है, टी टेंस टू इंफिनिटी पर है वन, और टी टेंस टू माइनस इंफिनिटी पर क्या है आपका, नेगेटिव साइड प्रेजेंट नहीं है, दैट मींस जीरो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, बाउंडेड। अब अगर मैं ऐसा कोई सिग्नल बनाऊं आपके लिए, ठीक है, ये आपका सिग्नल है, ठीक है, तो ये देखिए आप टी टेंस टू इंफिनिटी पर भी कितना है आपका, टू है, और टी टेंस टू माइनस इंफिनिटी पर भी कितना है, टू है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, बाउंडेड हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर मैं मान लीजिए मैं कोई ऐसा सिग्नल आपके लिए बनाऊं, इस तरीके का सिग्नल, ठीक है, तो अब आप देखिए टी टेंस टू माइनस इंफिनिटी पर तो आपका 2 है, बट टी टेंस टू इंफिनिटी पर ये किस तरफ जा रहा है आपका, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, आप देख लीजिए इसे, ओके स्लोपी है ना, और इंक्रीजिंग है आपका, इंक्रीजिंग स्लोप है, तो किस तरफ जा रहा है, इंफिनिटी की तरफ, दैट मींस इट इज अनबाउंडेड। ओके क्लियर है अच्छे से। एक और पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा कि बाउंडेड की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि टी टेंस टू प्लस माइनस इंफिनिटी पर दोनों पर एम्पलीट्यूड या किसी एक पर कोई फाइनाइट वैल्यू हो, तो फाइनाइट आपका जीरो भी होता है, दैट मींस अगर कोई सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है तो वो हर हाल में बाउंडेड भी होगा, ये कंक्लूजन आपको दिमाग में रखना है। बट अगर कोई बाउंडेड है तो कोई जरूरी नहीं कि वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो, क्यों, क्योंकि बाउंडेड सिग्नल में आपका एम्पलीट्यूड जीरो के अलावा भी कोई और फाइनाइट वैल्यू हो सकती है। क्लियर है अच्छे से। तो एवरी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल इज बाउंडेड सिग्नल, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक थ्योरिकल क्लासिफिकेशन थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, स्पेशली अगर मैं बात करूं कॉजल नॉन कॉजल सिग्नल्स, बाउंडेड एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल्स, ये आपके आगे के सिलेबस में भी बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, ओके तो इनका नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं मुझसे, कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं या तो फिर आप हमें मेल कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो से अब स्टार्ट करूंगा इवन एंड ऑड सिग्नल्स, ठीक है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके थैंक यू।